नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू वास्तु टिप में। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति अपनी किस्मत लिखा कर पैदा होता है। किसी को लाइफ में कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो किसी को कम मेहनत में ही सब कुछ हासिल हो जाता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी राशियों के बारे में जिसमें जन्मी लड़कियाँ बेहद ही भाग्यवान मानी जाती हैं। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि ये लड़कियाँ जिस घर में शादी करके जाती है वहाँ धन दौलत में अचानक से बढ़ोतरी होने लगती है। तो दोस्तों, वो कौन सी राशि वाली लड़कियां हैं ये जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, पहली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि की लड़कियां बेहद ही भाग्यवान मानी जाती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है। जहाँ जाती है वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनके शुभ कदम जिस घर में पड़ते हैं वहाँ आर्थिक समृद्धि हमेशा बनी रहती है। ये अपने पति और परिवार वालों को बहुत ही मान सम्मान देती हैं। ये लड़कियाँ घर के सभी लोगों के हर छोटी मोटी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखती है। दूसरी जो राशि है वो है कर्क राशि। इस राशि की लड़कियाँ दिल की साफ होती हैं। ये अपने परिवार के लोगों को साथ लेकर चलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये काफ़ी भाग्यवान मानी जाती है। ये एक बार जिस काम को करने की ठान लेती है उसमें सफलता हासिल करके ही रहती है। ये जिस व्यक्ति से शादी करती है उनकी किस्मत बदल जाती है। इनके मजबूत भाग्य के कारण इनके पति को करियर में खूब तरक्की मिलती है। तीसरी जो राशि है वो है तुला राशि। दोस्तों, इस राशि की लड़कियां अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लेती है। ये एक बार जिस काम को करने की ठान लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। ये मेहनत करके किसी भी काम में सफलता हासिल कर सकती हैं। ये अपने घर को स्वर्ग बनाकर रखती हैं। चौथी जो राशि है वो है मकर राशि। इस राशि की लड़कियों का स्वभाव काफ़ी सरल होता है। इनके अंदर अच्छी पत्नी बनने के सारे गुण मौजूद होते हैं। ये दिल की साफ होती है, अपने परिवार वालों को खुश रखने की पूरी कोशिश करती है। ये कोई भी काम पूरे मन से करती है और उसमें सफलता हासिल करके ही रहती है। कहते हैं कि इनके शुभ कदम जिस घर में पड़ते हैं वहाँ पे धन्य और धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। इन्हें माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी जानकारी है वो यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये जानकारी कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसी ही हर रोज़ नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।